और मैं जाते जाते कहना चाहता हूँ कि हिंदू तभी एक होगा जब तुम जाति के साथ साथ गोत्र भी भूल जाओगे। जय भीम। ओ भोला खून नहीं जो तुम समझ लो उसको पानी। जय भीम। दोस्तों हमारी बातें थोड़ी कड़वी होती है, इसलिए कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पहले वीडियो देख लो, ये जो वीडियो है इसे देख लो, उसके बाद मैं इन लोगों से भी और आप लोगों से भी साथ में बात करूँगा, सवाल करूँगा, और आप लोग मुझे जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो पहले वीडियो देख लो। भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, भगवान नारायण की बाहु से यहाँ भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ, भगवान नारायण के उधर अर्थात पेट से कमर से वैश्य का जन्म हुआ, और भगवान के चरणों से शूद्र का जन्म हुआ। अब बताओ इन चारों के पिता एक ही हुए कि नहीं? हिंदुत्व में चारों वर्णों का सम्मान था, चारों वर्णों का सम्मान रहेगा। मैं सदैव भारत में हिंदुओं ने हमन बना लिया है। ब्राह्मणों से मुखमासी तब बाहु राजन यह करता उरु तथा सद्वैसा बद्धांगम शूद्र अजायत। ब्राह्मण सिर है, वैसे उदर है, क्षत्रिय हाथ है, और चरण शूद्र कहा गया है। बताओ क्या इन चारों में से कोई एक अंग ना रहे तो आपकी शरीर चलेगी? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा और देखा होगा कि साधु से लेके सड़क पर चलने वाले कुछ विशेष लोग हमें बता रहे हैं कि सर से फलाना, भुजा से ढकाना, नाभि से फलाना और पैरों से फलानी फलाना। यानी एक ही व्यक्ति सर से पांव तक ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, क्षत्रिय भी है। तो जब एक ही व्यक्ति सब कुछ है और एक ही व्यक्ति में सब कुछ है, तो मंच से कथा रामायण कहने वाले और मंच से हिंदुओं एक हो जाओ के नारा देने वाले ये क्यों नहीं कहते उसी मंच से कि जाति पाति कुछ नहीं होता, सब कुछ भुला दो और आपस में रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ो। सवर्ण दलित के घर और दलित सवर्ण के घर, सवर्ण दलित के बर्तन में खाए और दलित सवर्ण के बर्तन में खाए, लेकिन नहीं कहते। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि जाति वो है जो कभी जाती नहीं, और जाति इनकी असलियत है, और जाति के नाम पर भेदभाव छुआछूत इस देश की सच्चाई। एक तरफ तो दलितों के हाथ में अपने बर्तनों में पानी नहीं देना चाहते, लेकिन दूसरी तरफ अपने घर में रखे हुए खूंखार तलवार दलितों के हाथ में थमा देना चाहते हैं और हिंदू के नाम पर हिंदू मुस्लिम दंगों में झोंक देना चाहते हैं। मैं एक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो आप तस्वीर देख लीजिए, ये वही तेलंगाना वाला कांड में अमृता है, जिसने एक दलित लड़के से शादी कर लिया था, तो इसके पिता और चाचा ने मिलकर उस लड़के को बीच चौराहे पर काट दिया था इसकी आंखी के सामने। खैर, इसने उसकी विधवा होकर आज भी जी रही है, मुझे गर्व है, लेकिन फिर भी जाति एक अभिश्राप माना जा सकता है। क्योंकि यही लोग जब दंगा कराना होता है तो आप लोग को हिंदू बनाते हैं, और जब रिश्ते बांधने होते हैं तो राशि के साथ साथ जाति देखते हैं और जाति के साथ साथ गोत्र भी पहचानने लगते हैं। तो दोस्तों, इन बहुरूपियों के चक्कर में ना पड़ो, आपस में भाईचारा ना बिगाड़े। और मैं जाते जाते कहना चाहता हूँ कि हिंदू तभी एक होगा जब तुम जाति के साथ साथ गोत्र भी भूल जाओगे। जय भीम। खून नहीं जो तुम समझ लो उसको पानी है।